प्रधानमंत्री चुनाव वाला यदि आपको वोटर पर्ची डाउनलोड करना है तो वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये आपके तब काम आएगा जब आपके पास में वोटर कार्ड नहीं है और आपको वोट देना है, तो इस पर्ची को दिखा करके आप अपना मतदान कर सकते हैं। इस पर्ची में आपको एग्जैक्ट जगह का पता चल जाएगा कि आपको वोट भी देने कहाँ जाना है। तो आज के इस वीडियो में मतदाता पर्ची आप अपना कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो है एवरीवन, मेरा नाम है शंकर और आप देख रहे हैं शंकर डिजिटल क्लासरूम। तो इस वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना होगा, तभी जाकर के आप कंप्लीट प्रोसेस को समझ पाएंगे। और यदि हमारी वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज इसी प्रकार के यूनिक कॉन्टेंट्स अपलोड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मतदाता सेवा पोर्टल पर आ जाना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। साइट पर आ जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं इलेक्टर्स, क्लिक कीजिएगा। देन इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करते जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल, क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पर आपको तीन प्रकार से अपना वोटर पर्ची निकालने का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आप अपने वोटर कार्ड के नंबर से खोज सकते हैं, दूसरे में आप अपना डिटेल देकर के यहाँ पर खोज सकते हैं, जैसे कि आपका नेम, स्टेट, आपका फादर नेम, इस प्रकार से। देन तीसरे में यदि आपका वोटर कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो उससे देकर के आप सर्च कर सकते हैं। सबसे इजी आपके लिए यहाँ पर रहेगा आप अपने वोटर कार्ड से खोजिए, उसके लिए पहले वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं, ईपिक द्वारा खोजे। आपको अपना वोटर कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है, देन अपने स्टेट का सिलेक्शन आपको कर लेना है। इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर डालेंगे, देन सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। सर्च रिजल्ट खुल करके आ जाएगा, आपका पूरा डिटेल यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। एक्शन पर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू डिटेल्स, क्लिक कीजिएगा। देन जो है आपका वोटर पर्ची यहाँ पर आ गया है। वोटर पर्ची में रहता क्या क्या है, फर्स्ट नेम आपका रहेगा, लास्ट नेम रहेगा, आपका रिलेटिव नेम में रहेगा आपका फादर नेम या आपके हस्बैंड या आपके वाइफ का नाम यहाँ पर रहेगा, आपका एज रहेगा, आपका वोटर कार्ड का नंबर यहाँ पर रहेगा। देन स्टेट रहता है आप कौन से संसदीय क्षेत्र से आते हैं, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देन आपको वोट कहाँ पर देने जाना है वो आप देख सकते हैं, मतदान केंद्र यानी कि पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन का एड्रेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस वोटर पर्ची को डाउनलोड करने के लिए नीचे में आप देख सकते हैं मतदाता सूचना प्रिंट करें, क्लिक कीजिएगा। आपका जो वोटर पर्ची है वो एज ए पीडीएफ में आ जाएगा। अब आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट कर लीजिएगा, या आप इसे एज ए पीडीएफ सेव कर सकते हैं। देन यदि आपके पास में वोटर कार्ड अवेलेबल नहीं है तो इसी वोटर पर्ची के मदद से आप अपना मतदान कर सकते हैं। यदि आपको कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी निश्चित तौर पर ही सहायता करने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रकार से 2024 में आप मतदाता सेवा पोर्टल से आप अपना वोटर पर्ची ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी अपने नॉलेज में कुछ नया जोड़ पाएंगे। मिलते हैं आपसे आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।